हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका भी बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो आप अपने बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने एक्सिस बैंक का जो मिनी स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अपने एक्सिस बैंक के मिनी स्टेटमेंट को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल का डायलर ओपन करना होगा। डायलर को ओपन करने बाद फ्रेंड, यहां पे एक नंबर डायल करना होगा। नंबर है 1800 419 6969। तो फ्रेंड, इस नंबर को मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, 1800 419 6969। इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद फ्रेंड, थैंक यू फॉर कॉलिंग बोल करके और फोन कट जाएगा, और फोन कटने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में आपके बैंक अकाउंट का जो मिनी स्टेटमेंट रहेगा वो शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल कीजिएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है बैंक अकाउंट से तो आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा। अगर रजिस्टर्ड है तभी आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।